तो नाना भाई एक कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो रूरल एरिया में जाके अब एजुकेशन का कुछ प्रयोग करेंगे। वो चले गए सोनोसरा और बाद में इधर उसके साथ उस वक्त हरभाई त्रिवेदी और गिजुभाई बदिकर दोनों काम करते थे। मानो कि तीनों मिलकर इतना अच्छा वो डिस्कस भी करते थे तो कुछ करना है कैसा करेंगे कैसा करेंगे, और डिस्कस करके सब अमल में रखते थे, सब उसका अमल करते थे। और ऐसा करके जब वो गए तब गिजुभाई ये बाल मंदिर, गिजुभाई ने की साइड थी बाल मंदिर की, यानी कि बालकों के साथ काम करने में। हरभाई त्रिवेदी का काम किशोरों का, यानी कि एडोलेसेंट एज के स्टूडेंट्स के साथ, और उसका फिर बाद में जो हुआ वो रूरल एरिया में हुआ। तो इधर की शिक्षा खत्म हो गई तब ये तीनों लोग अलग हो गए थे, दक्षिणामूर्ति बंद हो गई और हरभाई त्रिवेदी ने हाई स्कूल बनाई, वो घर शाला बोलता है, होम स्कूल। अच्छा, अभी है घर शाला, होम स्कूल, घर शाला इंग्लिश में होम स्कूल। तो फिर इधर जो खत्म जो होता शिक्षण हो गया खत्म, तो उस वक्त दक्षिणामूर्ति में और कोई स्टैंडर्ड्स की टीचिंग नहीं होती थी, तो डायरेक्ट सब हरभाई के स्कूल में जाते थे होम स्कूल में पढ़ने के लिए। तो मैं भी उधर ही पढ़ी। उस वक्त 11 तक, 11 स्टैंडर्ड में ही एसएससी की एग्जाम होती थी, बॉम्बे की, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की भी एंट्रेंस एग्जाम होती थी 11 दौरों के बाद, अभी 10 के बाद है, उस वक्त 11 दौरों के बाद, 11 दौरों तक हम स्कूल में पढ़े। तो वो यही सिद्धांत पर वो चलती थी, पूरा फ्रीडम देने का है, सब एजुकेशन देना है, तो उसका डेवलपमेंट जो व्यक्ति का जो है वो जितना चाहे करो, तो सब अपने आप से करना, सब रमत, यानी कि खेल कूद भी थी, डंबल्स लाठी लेजे वो भी सिखाते थे, और प्रवास बहुत होते थे छोटे मोटे, पैदल चल के जाना है। उस वक्त आज जो लग्जरियस है कि लग्जरी बस आई उसमें सब बैठे, अच्छा अच्छा खाना खाया, अच्छा अच्छा के हो के आ गए, नहीं, हमने इधर ये थोड़ा दूर है तला जाता हूँ, 30 माइल 35 माइल की दूरी के है, तो उधर से पालीताना वो जैन तीर्थ है। अच्छा। उस वक्त वो मुझे मालूम नहीं अभी तो कितना, ऐसे ही 25-30 माइल हो गए, माइल्स उस वक्त का था, अभी तो कितना किलोमीटर्स वो मुझे नहीं ख्याल है। तो उधर पैदल चल के गए थे, पैदल चल के और वो दूसरा जो हम गए थे जो गोपनाथ, वो दरिया है, वो दरिया पर है, तो उधर गोपनाथ में वो भी हम तला जाते गोपनाथ पैदल चल के गए थे। और ऊना से तुलसी श्याम है, जंगल है जूनागढ़ का है, तो वो भी पैदल चल के गए थे। तो वो तीन प्रवास तो मैंने खुद ने किया है पैदल चल के, तो समझो कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि वो सब काम करना है, सब खेलना है कूदना है जो कुछ करना है, व्यायाम है सब जो कुछ करना है। वो गांधी जी की जो फिलसफी थी और उसमें जो जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसके वो सब इधर इंक्लूड करते थे और वो होता था। मैं तो मानती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ मेरी सोच है, मेरा जो करना है, मेरा पूरा जीवन है, वो घर शाला जो बोला है तो घर से है, मेरे माता पिता का फोटो है तो उन लोगों ने जो संस्कार दिए वो, और शाला में वो उसका ही परिणाम है। बाहर की कोई जो कहे ना कि अच्छी जो है नहीं असर वो नहीं आई, क्योंकि इन ये दो वातावरण जो हमने मिला, घर में मिला शाला में मिला, और ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर सही है वो सही था, बस ना बेस्ट आई कैन से वो सही था, मेरे मत से तो वो सब सही था।
पूरा सही था। मुझे याद है कि हम सब बच्चे इतने प्रेम करते थे, इतने उसके हमको पसंद थे कि गिजुबाई 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 और कुछ नहीं। बच्चे को भी गिजुबाई की जिंदगी थी, रिस्पेक्ट तो बहुत है। मुझे याद है उस मेरे पिताजी कहते थे एक दिन तूने बहुत शोर मचाया, हमको बाल मंदिर जाना है। तो बोला कि आज रविवार है तो आज बाल मंदिर बंद है। वो बच्चा बच्ची थी 3-3.5 साल की, रजा क्या है समझ में नहीं आई, बंद क्या है समझ में नहीं आता है, बंद क्या रजा क्या वो बच्चा नहीं समझता है। तो बहुत शोर मकोर बनाया, बहुत रोई। तो मुझे लेके गए, उस वक्त रिक्शा नहीं थी, घोड़ा गाड़ी, तो इसमें बैठा के ले गए। क्या उधर जाके देखा बीजू भाई कहाँ है, ताला लगा है, सब पूरे बाल मंदिर में घूमा कोई नहीं है। जो टीचर्स का नाम है उसका बोला, जो हमको बच्चे लोगों को संभालते थे वो सर्वेंट्स थे उसका नाम बोला, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं, ऐसा क्यों कोई क्यों नहीं है, तो बालक का सवाल है क्यों नहीं आए। मुझे इधर बाल मंदिर जाना है, मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो अगर रविवार को रजा होती है वो नहीं होता, तब रविवार क्या है रजा क्या होती है, सिर्फ बालक के मन में तो रविवार रजा कुछ नहीं है। उनके प्रति जो आपका जो प्रेम है, मतलब जो उसका जो रिस्पेक्ट है, सब उसमें दिखाई देता है कि एक दिन भी घर में रहने के लिए मन नहीं करता है, मन नहीं, उनके पास जाना है बस। वो रूटीन ऐसे बन गया है कि एक दिन नहीं है तो मुलाकात कुछ नहीं होगा, नहीं रहना है, बाल मंदिर जाना है, कि जब मिल रहा है खेलना है, ये करना है ये करना है ये करना है। तो फिर समझाया कि ये नहीं है, फिर हम वापस आए। तो दूसरे दिन क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, मुझे बराबर मैं समझती हूँ कि मैंने कई सवाल गिजू भाई को पूछा होगा, आप क्यों नहीं थे, क्या थे, वो थे, वो थे, वो मेरा स्वभाव पड़ गया है, एजुकेशन ही ऐसे थे कि सवाल करना। आज क्या है कोई सवाल नहीं पूछता है, तो किसी को समझ वो पसंद नहीं आता है, सवाल नहीं, जो मैं कहूँ आप भाषा नहीं आती है तो कुछ नहीं आएगा। गणित भी भाषा से सीखेगा, विज्ञान भी ऐसे सीखेगा, सोशल स्टडीज से भी सीखेगा, भाषा बिना कुछ नहीं, जो भाषा नहीं आती है तो कैसे सीखेगा। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इन द प्राइमरी स्कूल इन द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग लैंग्वेज एक्सपर्टनेस, लैंग्वेज अच्छी तरह से समझनी, लैंग्वेज यानी वो जो है ना श्रवण कथन वाचन देखन, अच्छी तरह से श्रवण करता है क्या करता है, कथन अच्छी तरह से बोल सकता है हाँ बोल सकता है, समझ सकता है समझ सकता है, कैन ही आंसर यस ही कैन आंसर, श्रवण हुआ कथन हुआ वाचन और लेखन बाकी रहा। श्रवण कथन जो है वो सहज अपने जो आस्तिक का जो समाज है जो वातावरण है घर का होम का एटमोस्फियर है इसमें से सीख लेता है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो मत करो शब्द जो अगर जो सुनता है उसमें समझ में आ जाता है 2-3-4-5 बात में, सब कहते हैं मत करो मत करो, इसका मतलब है कि ये करना नहीं है, वो उसका मतलब समझ में आ जाता है। अभी क्या होता है कि जो पुस्तक में जो कविताएं आती है या पाठ आता है उसमें जो लिखा है उसका अनुभव तो उसको है ही नहीं, तो वो पाठ कैसे समझेगा। टीचर तो क्या करता है लेसन वन खोलो पट जाता है और उसका अर्थ भी करते जाते हैं। आज हमारा पहला पाठ खत्म हुआ, बच्चे समझे कि नहीं, क्या समझे न समझे उसका तो कोई मतलब उसके होता ही नहीं, तो फिर वो क्या सीखेगा। तो अगर जो भाषा नहीं सीखेगा तो और कुछ नहीं सीखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप आपके प्राइमरी स्कूल में अच्छी तरह से बच्चे पढ़े और आपका रिजल्ट, रिजल्ट शब्द मुझे नहीं लगता है, पर क्या है कि वो
इंडिविजुअल चाइल्ड है वो अपने काम में सक्सेस हो, सफल हो, उसको संतोष हो, मैं कर सकता हूँ, आत्मविश्वास हो आता है, ऐसा तब कर सकेंगे जब उनको अच्छी तरह से भाषा आएगी, बोल पाएगी, उसको लिख पाएगी, और वो वर्णन अच्छा कर सकेगा। जीवन में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी की चीज। वो अगर पीएचडी नहीं हुआ, वो अगर अगर आगे नहीं पढ़ा चलेगा, पर अगर अच्छी तरह से भाषा आती है, अच्छी तरह से वो गणन कर सकता है, तो अपने इर्द गिर्द की जो कुछ क्रियाएं हैं वो अच्छी तरह से कर सकता है। ये मेरा अनुभव नहीं होता है, नाना भाई भट्ट का दाखिल उदाहरण है। उन्होंने जो शुरुआत की अपनी स्कूल की यदि एजुकेशन यात्रा शुरू की तो हॉस्टल, हम छात्र भी बोलते हैं, छात्र का आदय, छात्र का वास, तो छात्रालय से की बच्चे लोग आए, बच्चे पहले बहुत दूर बीच विस्तार में था, फिर बाद में ओपन एरिया में राज्य ने, यानी कि उस वक्त तो स्टेट थे, तो इन्होंने बड़ी जगह दी, तो सॉरी हॉस्टल का बड़ा बनाया, स्टूडेंट्स रहते थे, तो जो खेलना कूदना जो अपने ख्याल से और बीच भाई ने जो नई तालीम का कराया था वो जो कुछ है वो करते थे। तो स्कूल तो नहीं था, छात्रालय के साथ ऐसी प्रवृत्तियाँ जुड़ के रहते थे, बहुत पसंद आया समाज को, रहते थे धीरे धीरे। दक्षिणमूर्ति में हॉस्टल भी था, पहले शुरुआत ही हॉस्टल से हुई। अच्छा, वो तो पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, गुजराती में है, उसका लड़का वो बॉम्बे में सर्विस करता है, जब छुट्टी होती है तो तब आता है, तो वो कहता है मुझे पापा के स्कूल में जाना है, वो पापा ने कुछ बात की होगी, तो वही यही दक्षिणामूर्ति यही की बात है। मैं भी तो मैं बोलती हूँ ये तेरे पापा के स्कूल नहीं है, वे तो मेरी स्कूल है, पहले मेरी स्कूल है फिर तो तुम्हारे पापा की, नहीं ये मेरे पापा की ही स्कूल है, क्योंकि उसने तो कोई वीडियो देखी ही नहीं मुझे जाने का आने का, और जाना तो मुझे पड़ता था, कभी वो तो कोई कभी टाइम नहीं देता था। हम दोनों गए, पूरा दो घंटा तीन घंटा उसके मन में आए, तब तक वो घूमता है फिरता है चढ़ता है झूला पर चढ़ता है, एक तक जो कुछ उसको चाहे वो कर सकता है, करता तब दो दिन दो घंटा तीन घंटा। एक दिन वो जो ऊपर से नीचे सरकना होता है क्या बोलते हैं स्लिप, हाँ स्लिप स्लिप, हाँ तो उस पर वो चढ़ा, चढ़ने लगा, चढ़ के गया फिर आया नीचे, दो गुट्ठी धूल ली और ऊपर चढ़ने लगा, दोनों हाथों एंगेज थे तो भी चढ़ना मुश्किल होता था, एक छोड़ दिया। बच्चा क्या करता है, मैंने एजुकेशन में थी और एजुकेशन में रस था और बच्चे में रस था, वो धीरे 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 चढ़ने लगा और सब खाली हो गई, ऐसे ऐसे करके टाइट टाइट करके करके जाना कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर दो लिया, कैसा 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 करके दो मुट्ठी लेकर ऊपर चढ़ गए, और ऊपर जाके मुझे इंटरेस्ट ये हुआ कि ये दो मुट्ठी धूल लेके क्या करता है, तो ऊपर जाके बैठा और जो जो सरकता था वो उस पर इन्हें ये धूल रखी छोड़ दी, तो कैसे नीचे जाती थी वो देख ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरी दफा लिया ऐसा ही किया, दो तीन दफा ऐसा किया, मैंने कुछ पूछा नहीं, इसने कुछ बोला नहीं, ऐसा ऐसा चला, पर शुरुआत में जो उसकी जो वो पकड़ के चढ़ने की जो थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो मैं मदद करूँ, उसका हाथ पकड़ूँ और मुठी धूल जैसे है वैसे बोले तो मैं उसको उठा के बैठाऊँ और उसको मदद करूँ, और फिर मैंने बोला नहीं ये करना ठीक नहीं है, वो उसको करना जैसे करना है। ये उसकी जो ट्रायल एरर थी और उसने इसमें सफलता भी ली
कितनी मेहनत के बाद अगर मैंने उठा के बैठा दिया होता या अगर उसने ये नहीं करने दिया होता तो इसमें से जो वो जो सीखा, एक लिया इधर गिर गई, दूसरी दफा लिया गिर गई, फिर भी ये गिरे नहीं, फिर भी मैं चढ़ू, वो जो उसके मन में था वो भी किया हमने, तो जो आत्मविश्वास हुआ जो वो हुआ, तो मैंने जो मेरे टीचर जैसे हमारे वडील है उसने बोला कि तू उसके ये लिखती क्यों नहीं है, मैं तो क्या लिखे, मुझे संतोष हुआ कि ये लड़का कभी पीछे नहीं हटेगा, जो उसके मन में आएगा कि ये अच्छा है करना है तो वो करेगा। एक छोटी सी बात है, ये धूल लेके ऊपर चढ़ना है, उसको डालना है और देखना है क्या होता है उसका, वो उसने कहा लर्निंग बाय डूइंग हम बोलते हैं, अनुभव से सीखना है वो भी बोलते हैं, हम कहते हैं कि बाय ट्रायल एंड एरर, ये सब आ गया है इसमें। समझाना चाहती हूँ कि एजुकेशन के बारे में थोड़ा डीप जाना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अब अपना अनुभव है तो उसको उसको अप्लाई करना ट्राई करना चाहिए, ये तो हम करते नहीं, तो फिर एजुकेशन कैसे सुधरेगा, एजुकेशन एजुकेशन ही नहीं रहा है तो फिर क्या है। मॉन्टेसोरी पद्धति आप इंग्लिश में पढ़ सकेंगे, उसकी पूरी किताब है, तो इसमें जो लिखा है वो सब ऐसे ही बीजू भाई ने यहाँ नहीं किया। तो क्या है कि बहुत शिस्तबद्ध ये कहेंगे कि उसने बोला कि ये ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, उसने सब सूचनाएं दी है ऐसे ही करना है वो, तो बीजू भाई ने तो ऐसा नहीं किया। और जो मॉन्टेसोरी मानते थे कि जो फेरी टेल्स नहीं कहनी चाहिए और दो चार चीज ऐसी है कि जो मॉन्टेसोरी ने मना कर दी वो सब उसने इसमें डाल दी, पोतन अपनी जो एक्सपेरिमेंट था वो उसमें डाल दिया, तो इट वॉज बहुत सक्सेसफुल। यहाँ के जो सामाजिक वातावरण जो था इसमें इट वॉज सक्सेसफुल।